मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। हर अवैधानिक कार्य अपराध होता है, महिला सुरक्षा अहम मुद्दा, एसडीएम बैठक का दौर चलाकर दी सख्त चेतावनी। खाचरौल एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने सीएम शिवराज की मंशानुरूप सुशासन राज्य में अपराध और अपराधी पर शिकंजा कसने के लिए हर विभागीय कर्मचारियों के बैठकों का दौर चलाकर सख्त चेतावनी दी कि आपके कार्य क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों पर नजर रखें और तुरंत अपने अधिकारी को सूचना दें। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एसडीएम कुमार ने तहसीलदार मधुनायक, एसके पांडे, एसडीओपी अरविंद सिंह, टीआई रविंद्र बारिया सहित सिलसिलेवार स्कूल, कॉलेज, पान दुकान, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारियों के साथ महिलाओं की सुरक्षा के अहम मुद्दों के हर अवैधानिक गतिविधियों पर नजर रखकर उन पर शिकंजा कसने के लिए आम नागरिक की सहायता के साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करें। गांव गांव में बहन बेटियां की सुरक्षा के साथ अवैध रेती, अवैध शराब और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तैयार रहें। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। जो सॉफ्ट कॉपी है तो अपने लेवल पे आप लोग अपनी अपनी जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे लगा दें। हमारा ये सर महिला अपराध को लेके एक जागरूकता अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, खाचरौल में भी चल रहा है। आंगनवाड़ी महिलाओं से शासन प्रशासन किस तरह से काम लेगा? आज हमने तहसील खाचरौल की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सुपरवाइजर्स को बुलाया था। इनको टीआई साहब ने, एसडीओपी साहब ने और हमने जो है इनको पोस्टर्स के माध्यम से इनको सारी बातें बताई हैं, समझाई हैं कि किस प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर अपराध होते हैं। छोटे मोटी घटना समझकर जिनको महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं, जबकि उनके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई जाना चाहिए। बस स्टॉप पे बिल भरने जाते हैं, वहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, बस में के अंदर ये घटनाएं होती हैं। तो इनको सबको सावधान किया है और सबको जो है नंबर भी दिए हैं, टीआई साहब के नंबर, एसडीओपी साहब के नंबर, हमारे नंबर दिए हैं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो तुरंत ये जो है हमें उसके बारे में सूचना दें। दूसरा, आज इनको बुलाने का एक मकसद और ये था, गांवों में अवैध शराब बिकती है, कई जगह बनती है और कई जगह बाहर से लाके बेची जाती है, जिसके दुष्परिणाम जो है अभी उज्जैन में भी थोड़े दिन पहले देखने में आए थे, अभी मुरैना में भी घटना हुई है। तो इन सभी को जो है हमने आगाह किया है कि इस पे नज़र रखेंगे और कहीं यदि इस प्रकार का अवैध शराब का निर्माण या विक्रय होना पाया जा रहा है तो ये चुपचाप उसकी सूचना दे दें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अवैध शराब की बात निकले तो गांव-गांव में डायरी सिस्टम पे दारू की लाइसेंस नहीं उनके संबंध में भी बताया, हमने एक दल बना दिया है ग्राम स्तर पे, उस दल में पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पुलिस का जो बीट आरक्षक है वो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम कोटवार, ये सभी सम्मिलित हैं। ये सभी लोग जो है जिस किसी के भी निगाह में ये बात आती है इनको स्वयं उनसे नहीं उलझना है, केवल हमें सूचना देना है। सर महिलाओं की सुरक्षा गोपनीयता के बनाए रखने के लिए जब सूचना देती हैं तो बिल्कुल उनको गोपनीय रखा जाएगा, इसीलिए उनसे कहा है वो चाहें तो अपने विभागीय अधिकारी को, CDPO को भी सूचना दे सकते हैं, वो तहसीलदार मैडम को भी सूचना दे सकते हैं और डायरेक्ट चाहें मुझे भी सूचना दे सकते हैं। सर जैसे अपराध होता है तो अवैध खनन में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर पटवारी की क्या भूमिका रहेगी, महिलाओं की, पटवारी की? उसमें उनकी भी भूमिका है, उनको रोकने का भरसक प्रयास करना और जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत आक्रामक लोग हैं और उनसे नहीं संभले जा रहे हैं तो उसमें भी वो जो है हमें सूचित करेंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सूचित करेंगे, थाना प्रभारी को सूचित करेंगे, जिसमें पुलिस बल भेज के कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।